हो, अर्ध कुंवारी हो, अर्ध चंद्रमा हो, एक ये अर्ध सैनिक, तो क्या हमारे लिए अर्ध सैनिक स्कूल नहीं होने चाहिए? सेना सीएसडी पे 50% छूट, और जो सेंट्रल पुलिस कैंटीन है जिसके ऊपर जितनी भी स्टेट पुलिस है वो भी निर्भर है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन सीपीसी खुली हुई है, पुलिस लाइन में जाके देखिएगा। जीएसटी के चलते आज मार्केट रेट पे आ गई, तो क्या हमको 50% छूट नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे परिवारों को इसका नहीं फायदा होना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, आप मंत्री हम संतरी पूछ लीजिए। उन्हें तुरंत इंटरकॉम दबाया और बाबू आया, उसने कहा यस 50% जीएसटी गिवन टू सीएसटी कैंटीन, इट इज 100% राइट। अब देखो तो मंत्री जी का मुंह आप देख सकते हैं कि संतरी के सामने उन्होंने कहा कि एमएचए अगर प्रपोजल भेजेगा अर्धसैनिक स्कूल के लिए तो हम मैं मंजूर करूंगी। बड़ी बात, आज तक नित्यानंद राय जी माननीय गृह राज्य मंत्री से 6 मुलाकातें हुई, हमने कहा इसमें कौन से बड़े बजट की जरूरत है, कर दीजिए। आगे बताता हूं, सेना झंडा दिवस जिसके लिए हम लोग सेना के परिवारों के रिटायरीज वेलफेयर के लिए उनके कल्याण के लिए एक कोष स्थापित किया गया, जिसमें 7 दिसंबर को हर साल करोड़ों रुपया आप लोग डोनेट करते हैं, हम भी करते हैं। तो क्या ऐसा अर्ध सैनिक कल्याण कोष, झंडा दिवस कोष हमारे लिए नहीं होना चाहिए? अरे भाई होना चाहिए क्या?